हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त मोहन कुमार आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एडम्स पेज, जो बी लेटर से रिलेटेड रहेगा और ये लगभग 100 क्वेश्चन इसमें आएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, शांतिपूर्वक देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है दिखाना या उजागर करना। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मतलब होता है भौतिक भलाई। क्वेश्चन नंबर 3, बाई एंड बाई मतलब होता है धीरे धीरे। बाई एंड बाई मतलब होता है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 4, बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप मतलब होता है नौकरी के बीच का गपशप। क्वेश्चन नंबर फाइव है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब होता है आगे पीछे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है शत्रुता। क्वेश्चन नंबर सेवन है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब होता है बोरी बिस्तर समेटना, बोरिया बिस्तर समेटना। क्वेश्चन नंबर 8, बैकस डजन। बैकस डजन मतलब होता है संख्या में 13। क्वेश्चन नंबर नाइन है बी वॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब होता है पानी धनी परिवार में पैदा होना। क्वेश्चन नंबर 10, बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब होता है सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब क्या होता है, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। क्वेश्चन नंबर 11, बियर द बॉन्ड ऑफ। बियर द बंट ऑफ मतलब होता है परिणाम भुगतना या वापसी का कोई रास्ता ना छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 12, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना। क्वेश्चन नंबर 14, बीट द रिकॉर्ड। बीट द रिकॉर्ड मतलब होता है पहले से अधिक अच्छा करना। क्वेश्चन नंबर 15, बीट हॉलो। बीट हॉलो मतलब होता है काफ़ी आसान एवं पूरी तरह से पराजित करना। बीट हॉलो मतलब होता है काफ़ी आसान एवं बुरी तरह से पराजित करना। क्वेश्चन नंबर 16, बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है आनंद से भरपूर। क्वेश्चन नंबर 17, बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब होता है दुख एवं तकलीफ से भरपूर। क्वेश्चन नंबर 18, बैगर्स डिस्क्रिप्शन। बैगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब होता है अवर्णनीय। क्वेश्चन नंबर 19 है बेल द कैट। बेल द कैट मतलब होता है जोखिम उठाना। क्वेश्चन नंबर 20, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मतलब होता है दो गंभीर परेशानियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 21, बिटवीन सिला एंड कैरावडिस। सिला एंड कैरावडिस मतलब होता है दो गंभीर परेशानियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 22, बिग गन। बिग गन मतलब होता है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 23, बर्ड्स ऑफ पैसेज। बर्ड्स ऑफ पैसेज मतलब होता है यदा कदा आने वाला। क्वेश्चन नंबर 24, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है सरसरी निगाहों वाला। क्वेश्चन नंबर 25, बर्ड्स ऑफ फीदर। बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब होता है एक ही प्रकृति के लोग। क्वेश्चन नंबर 26, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मतलब होता है पराजित होना। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लाइंड एलो। ब्लाइंड एलो मतलब होता है कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं। ब्लाइंड एलो मतलब होता है कार्य जिसमें आगे प्रगति का संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट मतलब होता है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लू वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लू वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब होता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ना बनना, यानी अपना बड़ाई खुद करना। क्वेश्चन नंबर 31, ब्लू ब्लड। ब्लूड मतलब शाही व्यक्ति, यानी कि खूब अमीर व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लू बुक। ब्लू बुक मतलब होता है सरकारी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 33, बॉडी एंड सॉल। बॉडी एंड सॉल मतलब होता है पूर्णता, यानी पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 34, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है आकस्मिक विपत्ति। आकस्मिक विपत्ति। क्वेश्चन नंबर 35, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की वस्तु या झगड़े का कारण। क्वेश्चन नंबर 36, बुन या ब्लेसिंग इन डिसग्यूज मतलब होता है छुपा हुआ वरदान। क्वेश्चन नंबर 37, बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम फ्रेंड्स मतलब होता है जिगरी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रेथ वंस लास्ट। ब्रेथ वंस लास्ट मतलब होता है मर जाना। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेड डे लाइट। ब्रोड डे लाइट मतलब होता है दिन दहाड़े। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मतलब होता है अविश्वासी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 42, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मतलब होता है विचार मंगता।
क्वेश्चन नंबर 43, बुल दी चाइना शॉप मतलब होता है जो जगह के अनुकूल ना हो। क्वेश्चन नंबर 44, बर्न अ होल इन दी पॉकेट मतलब होता है शीघ्रता से खर्च करना। क्वेश्चन नंबर 45, बर्न वंस फिंगर मतलब खुद का नुकसान कर बैठना। क्वेश्चन नंबर 44, बर्न्स दी कैंडल एट बोथ इंड्स मतलब होता है देर रात और सुबह जल्दी मेहनत करना, यानी ज़्यादा मेहनत करना पूरा दिन और रात। क्वेश्चन नंबर 47, बर्न्स वंस बोट मतलब होता है फैसला बदलना। क्वेश्चन नंबर 48, बर्न्स दी मिडनाइट वाइल्ड मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 49, बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है कोई खास विषय। क्वेश्चन नंबर 50, बरी दी हैटचेट मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना।